हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो 1,000 से ज़्यादा हो गए सब्सक्राइब, और अल्लाह की मदद होगी, आगे भी इंशाल्लाह होगा। और इसी खुशी में मैं आप लोगों के एक लेमनजीन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो जिसके इंग्रीडियंस हैं ये एक उसे लेमनजीन पिज़्ज़े में ना तीन होते हैं, एक होता है बाबिक्यू पिज़्ज़ा चिकन होता है पिज़्ज़ा होता है, और एक टिक्का टिक्के का होगा, और एक का वजीदा का होगा। मैं आपको बताती हूँ, फाजिदा का होगा। ये मैं अब बता रही हूँ आपको, मसाला लगा के, टिक्का मसाला इसको मैं लगा रही हूँ। ये शान का मैं यूज़ कर रही हूँ, शान का टिक्का मसाला। ये देखिए शान का टिक्का मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। सोया सॉस डालूंगी मैं, आप बाकी करती हूँ। चलिए, चिली सॉस डालिए, ये नमक डाले, मैं ये शान का ही नमक यूज करती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शान का नमक हम लोग यूज़ करते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है। और ये कि डाला है मैंने सोया सॉस, ठीक है, और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये हो गया टिक्का मसाला, ये टिक्का मसाला लग गया, इसको मैं ये टिक्का मसाला लग गया, इसको मैं 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया, 1-2 घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी बीफ का लगाऊंगी, इसमें डालूंगी टिक्का मसाला शान का, शान का टिक्का मसाला। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, ये इसमें शान के मसाले बहुत अच्छे होते हैं, इसमें सब कुछ होता है। नमक मिर्च, नमक तो खैर हल्का सा डालते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा पाकिस्तानी लोग तो ज़ाहिर है मिर्च और नमक ज़्यादा ही खाते हैं, हमारे टेस्ट के हिसाब से ही बनता है ये। इसमें ना सोया सॉस डाल दिया, अब इसमें लेमन डालूंगी, थोड़ा सा लेमन जाएगा। और ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू सॉस डालूंगी, ये वाली मैंने यूज किया बारबेक्यू सॉस, इटालियन है ये वाली। गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था, बीफ है, बीफ को मैंने बॉईल कर लिया था, गाल लिया था, तो इसको भी आप कंटेनर में डाल के रख देती हैं। ये भी हो गया, अब मैं वाइट सॉस का बताती हूँ। ये जब मैंने लंबा लंबा स्ट्रिप में काटा हुआ है, उसको स्ट्रिप में काटते हैं। ये डाली मैंने मायनीस, थोड़ा सा योगर्ट, ये मैंने योगर्ट डाला ये वाला, ठीक है, और ये वाली मायनीस डाली है, ये वाली मायनीस डाली है। अब इसमें जाएगी वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा जाएगा जिंजर पेपर,
जिंजर का पाउडर जाएगा थोड़ा सा ये, और इस भी जाएगा नमक, बहुत ज़्यादा पड़ गया चल, और थोड़ा सा लेमन, ये वाइट सॉस वाला है। चलो तीनों मैरिनेट हो गए हैं तो मैं आपको फिर बना के बताती हूँ। ये मैं ऑयल, ये वाला ऑयल डाल रही हूँ रिजन का, बस थोड़ा सा लहसुन, ज़रा लहसुन सोते हो जाए। इसमें थोड़ी सी मैं ओरिगानो डाल रही हूँ, इसको ओरिगानो को थोड़े से हाथ में मसल के, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ओरिगानो की। चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। चलिए अब हो गए, थोड़ा जूसी जूसी बने। चलिए मैं आप टिक्का का बना कर बताती हूँ, टिक्का मसाले का चिकन बीफ बना के बताती हूँ। लहसुन बीफ को मैंने बॉईल किया हुआ है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसमें डाल के, मसाला लगा हुआ है, टिक्का मसाला लगाया है मैंने, शान का टिक्का मसाला लगाया है इसको। ये तैयार हो गया वाइट सॉस वाला, एक पिज्जा बनेगा और उसमें तीन फ्लेवर होंगे, लेमन ग्रीन पिज्जा है। ये तैयार हो गया ना, बस ये हो गया, क्योंकि ये अभी बेक ही होगा ना उसमें,
पिज्जे के साथ। ये भी मैंने डाल दिया है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों हो गए हैं, बस ये रहते हैं। चिकन अलग से गलेगा। चलें ये अब मैं उठा रही हूँ, ये बन गया, तंदूरी है ये। बस ये तैयार हो गया, तो फिर आगे आपको बताएंगे इसकी डो बनाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी पिज़्ज़ा डो।